हम और वो तमाम तमाम साथी। दोस्तों, एक दुख की घड़ी में हम लोग साथ में इकट्ठा हुए हैं और वो दुख की घड़ी है उत्तर प्रदेश में 72 बच्चों का कत्लेआम। अभी पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें से 60 बच्चों का कत्लेआम किया था आतंकवादियों ने। पूरी दुनिया में हंगामा था। ये बेगुनाह बच्चों का उत्तर प्रदेश के अंदर कत्लेआम उस आतंकवादी घटना से बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर आखिर इस पर चुप क्यों है सब? क्योंकि इन्होंने यहां भी वही काम किया है जो ये हर बार करते हैं। एक जो खून के अंदर हमारे जहर खोला जा रहा है सांप्रदायिकता का, हर चीज में उस सांप्रदायिकता को उन्होंने एक नया नाम दे दिया है, राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद इनकी और कुछ नहीं, सांप्रदायिकता है। इन्होंने यहां पर भी उस सांप्रदायिकता का जहर न सिर्फ खोलने का काम किया बल्कि एक डॉक्टर कफील के तौर पर उनको जिम्मेदार बना करके लाके हमारे सबके सामने खड़ा कर दिया है कि इन मौतों का जिम्मेदार डॉक्टर कफील है। जबकि सरकार का जो हेड होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है जिस तरह से किसी भी चीज का सेहरा या तमगा इनके सर पर बनता है, उसी तरह से जितनी भी गलतियां होती है, जो कत्लेआम होते हैं, जो विपत्तियां आती है, उसका भी सेहरा या उसके भी तमगा इनके सर पर ही लगना चाहिए। यही देश का कानून भी है। जो देश का कानून है, जो कानून के लोगों को जानते हैं कि लॉ ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, ये तीनों लाइबिलिटी मिलकर के बनाती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी डायरेक्ट लाइबिलिटी है। इसलिए मौतों का जिम्मेदार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। इसलिए हम यहां से इस मंच से डिमांड करते हैं कि उनको फौरन अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और अगर वो बर्खास्त नहीं होते हैं तो फिर इस हिंदुस्तान की आवाम को सड़कों पर आना चाहिए। याद रखो, आज वो गरीबों के बच्चे मरे हैं, कल को तुम्हारा और हमारा नंबर है। अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें, हमारा इतिहास जो आज का लिखा जाएगा, कल के आने वाली नस्लें उस इतिहास को पढ़ के हमारे ऊपर ना थूके, शर्मसार ना हो, तो ये खड़े होने का वक्त है, कंधे से कंधा मिलाने का वक्त है इन शैतानों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत है और जो भारत के अंदर हुकूमत है। ये शैतान से किसी भी मामले में कम नहीं है। इन शैतानों के खिलाफ हम सबको उठना होगा और इनको आगे बढ़ने से रोकना होगा। इनके, अगर मैं एक अल्फाज में कहूं तो इनके फनों को कुचलना बहुत जरूरी है, वरना आज इन्होंने 67 बच्चों को, 72 बच्चों को डसा है, कल को आप और हमारे बच्चों को डसे। इसलिए हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, कैंडल मार्च, हम जानते हैं कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को जाएगा, पूरी दुनिया को जाएगा, बल्कि एक मैसेज कि इस मुल्क के अंदर अभी भी उन क्रांतिकारियों का खून बाकी है जिन क्रांतिकारियों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो उनको भी यहां से भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।